पहले रिवीजन, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रद्युम्न जी पिछले जन्म में क्या थे? माइक जल्दी जल्दी लेके घूमते रहे। प्रद्युम्न जी पिछले जन्म में क्या थे? बताइए बताइए गुरुजी। आवाज नहीं आ रही। कामदेव, अश्वमेघ यज्ञ के एक्सपर्ट कौन माने जाते हैं? राम राम गुरुदेव, ऋषि सुयग। कितने तीर्थों का वर्णन है? 11 तीर्थों का। ग्यारह तो शायद सबको याद ना हो, जिसको जितने याद हो बताएं। त्रित, उष्णा, मनु, गौ, सुदास, गुह, श्राद्धदेव। श्राद्धदेव, हाँ। पृथु, मनु, हाँ ये तो बोल दिया आपने। और जो जो बच्चे रह गए? अग्नि, असित, सुदास, कितने, वायु, गौ और गृह। एक रह गया अभी, मनु, पृथु और एक कौन सा रह गया, किसको याद है, कौन बताएगा? असित गुरुजी। हाँ है असित, बोल दिया। उष्णा, ट्रेट कौन थे? उष्णा वो तो सबसे पहले बोला था। उष्णा कौन थे? राजनीति के आचार्य थे। हाँ और भी क्या कहते थे इनको? ऋग्वेद काल के ऋषि हैं, इनको ऋग्वेद में कवि की उपाधि। राजनीति के एक और ऋषि भी है इसमें, जो वो कौन है? उष्ण, उन्हीं के बारे में तो बता रहे हैं। त्रित, सुयज्ञ के पिता का क्या नाम है? ऋषि कपिल। पृथु, अच्छा विपुल कौन थे? बस दो ही लोगों पे तो, एक इधर खड़ा हो जाए, एक इधर खड़ा हो जाए। और भी तो लोग थे उस दिन कक्षा में। गुरुजी, जो सिंधु देश के एक प्रदेश है उसके राजा थे वो। कौन सा प्रदेश? उसमें तीन प्रदेश, प्रदेश का नाम भूल गया, जिनके मतलब ओवरऑल राजा जयदत्त थे, बट सिंधु प्रदेश में से एक प्रदेश है उसके राजा थे वो। वो नाम भूल गया उस प्रदेश का, मैं वो मिस कर गया हूँ। सौवीर। जी।
बाकी दो कौन से थे जिनके राजा कौन थे? जी एरिया का नाम नहीं मालूम, लेकिन राजा जयद्रथ थे उनके। जयद्रथ का क्षेत्र बताया था आपने कि जयद्रथ का क्षेत्र था वो। मैंने उस क्षेत्र में ये भी तो बताया था कौन से थे। सौवीर, सौराष्ट्र, नहीं पता नहीं, और एक और था कोई, मतलब गुजरात का ही हिस्सा है वो, सिंधु तक जो चाहता था। एग्जैक्ट आंसर चाहिए। एक प्रदेश मत्स्य था जो मैप पे बताने के लिए कहा था। मत्स्य प्रदेश था। और जयद्रथ कहाँ के राजा थे? जयद्रथ के गुरुजी तीन क्षेत्र आपने बताए थे, सौवीर, सिंधु और शिवी। शिवी, ठीक। और मत्स्य प्रदेश का क्या बताया था मैंने? और भी तो लोग आए थे उस दिन, बाकी लोग बताएं। गुरुजी अजमेर अलवर वाला एरिया वो मत्स्य देश है। इसमें ऋषि कश्यप का जिक्र आया था अभी, नहीं कपिल का आया था। चलो कश्यप के पुत्र का जिक्र तो मैंने किया था, ऋषि कश्यप के पुत्र का नाम क्या है? हाँ हिमांशी बताओ। हिमांशी असित है? असित जो हमने 11 ऋषि कश्यप के पुत्र असित थी। नहीं असित वो स्थान था पिंडारक। असित के पुत्र कश्यप थे या कश्यप के पुत्र असित थे? पिंडारक। अरे चुप रहो पिंडारक। सही तो कह रहे थे, कॉन्फिडेंस से बोलो। ठीक है, ये तो क्षेत्र था पिंडारक जहां ये रहते थे। हाँ, उसके बाद हमने सुदास के बारे में किसी ने नहीं बताया। सुदास कौन है? ऋग्वेद कालीन थे। हाँ, भरत कबीले के सरदार थे। राइट। कुरु जंगल ये कौन सा क्षेत्र था? हाँ रोहित बताएंगे, नए रोहित। राम राम गुरुजी। हसीनापुर से उत्तर पश्चिम तक का जो एरिया था। हाँ जी, हसीनापुर, हस्तिनापुर। अच्छा। हस्तिनापुर से उत्तर पश्चिम तक का जो एरिया था उसको कुरु जंगल बोलते थे। अक्रूर के बारे में कौन बता सकता है? बताओ सुहानी। अक्रूर जी वो थे जो कंस के यहाँ पर रह के, और जो सैनिकों को जिन्होंने अपने साथ किया था, और उन्होंने ही सारी प्लानिंग की थी जब श्री कृष्ण जी का बर्थ हुआ था और उनको बाहर ले जाया गया था गोकुल तक। तो वो उन्होंने ही सारी प्लानिंग की थी, तो वही सारे सैनिकों को अपने अंडर करते थे, अपने साथ मिला लेते थे। अपने साथ मिला लेते थे। वर्ड्स और सेंटेंसेस पर बहुत ध्यान दिया कीजिए। और भी कोई ख़ास बात है? अक्रूर पलक बोलो जरा। जो मथुरा देश था उसमें एक स्टेट के हेड अक्रूर थे,
और वो श्री कृष्ण की जान पर जितना भी खतरा आया था उसको जानते थे, तो उन्होंने अंडर द कारपेट काम किया था, यानी उन्होंने चुपचाप जो कंस के जितने भी सहयोग थे, जो भी मतलब उसके सपोर्ट में लोग थे, उन सबको चुपचाप अगेंस्ट किया था। इसलिए जब श्री कृष्ण को कारावास से ले जाने की बारी आई थी तो किसी भी वहाँ के जो गार्ड थे उसमें किसी ने भी अपोज नहीं किया था, क्योंकि अक्रूर ऑलरेडी ये काम कर चुके थे। दूसरा, गर्भवती रोहिणी को माँ यशोदा के पास भी अक्रूर ही छोड़ कर आए थे, और उनके पास एक मणि थी जिसका नाम अभी मैं भूल गई हूँ, उस मणि से संपन्नता आती थी। तो आपने ये बताया था कि जब श्री कृष्ण ने द्वारका बसाई थी उसके बाद द्वारका के लोग इतने अनग्रेटफुल थे कि श्री कृष्ण पर वहाँ की गरीबी का इल्ज़ाम ये लगा दिया था। लंबा हो गया, मेन तो मणि थी। हाँ, मणि का नाम मोनिका वर्मा जी को शायद पता है। जी बोलिए। राम राम गुरु जी। गुरु जी एक तरीके से रक्षक थे अक्रूर जी जो थे, इनके श्री कृष्ण के। तो मणि का नाम वो तो बता दिया जी। मणि का नाम मेरे भी स्किप हो गया, अभी याद था पहले। हाँ, गर्वित क्या था बाकी जो पलक दीदी ने बताया, सेम मैं भी यही बताने वाली थी। हाँ, सिमंतक मणि। सिमंतक मणि। क्या वो अक्रूर जी जो थे वो कृष्ण के जो है वो रिश्ते में ताया जी लगते थे और वासुदेव के बड़े भाई थे। अब ये कैसे पता चलेगा किन तीनों फैक्शन में मुख्य कौन सा था? सिमंतक मणि वाला भी तो मुख्य ही था गुरु जी, रिश्ता तो पहले था ना। ये रिश्ते देखने बंद करो, श्री कृष्ण के जीवन की बात कर रहे हो। ऐसा कहना था, एक विशेष बात रहेगी, मुख्य का मतलब हो गया है बेस्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, चीफ। तो दोनों शब्दों में बहुत अंतर है। प्लीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप पब्लिक में बोलने जाते हैं तो यही सारे जो वर्ड्स हैं जिम्बल अप हो जाते हैं और उसके बाद दूसरा आपको कूट लेता है बोरे में बंद करके, क्योंकि आजकल की लड़ाई नैरेटिव की कम वर्ड्स की ज़्यादा है। और दूसरी बात देखा जाए तो कुछ हद तक ठीक भी है, अगर आप पे अप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं है, अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस नहीं है, तो आप अपने नैरेटिव को रखेंगे कैसे? ठीक है, सांब के पिता कौन है? सांब के पिता ये भी सबको नहीं पता, कम से कम 150-200 बार तो मेरे ही मुंह से सुना होगा सांब के पिता। कई बार तो मैंने सत्संग में भी बोला है इस चीज को। कौन था ऐसे ही सब बता दो। इनकी माता कौन थी? अब ये तो बस है ना, जामवंती। दूसरा अध्याय शुरू करते हैं जिसमें उद्धव जी बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं। उद्धव जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। और वो बचपन से श्री कृष्ण जी को मानते हैं। वह श्री कृष्ण जी की प्रतिमा बनाते थे। और उनकी पूजा में तन्मय हो जाते थे। देखिए जहाँ भी ये शब्द लिखा था ना, तन्मय हो जाते थे, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो ध्यान में चले जाते थे।
तन्मय हो जाते थे और किसी के बुलाने पर, माँ के बुलाने पर भी नहीं जाते थे, यानी जरूर उन्हें समाधि जैसी अवस्था प्राप्त होती होगी, ऐसा मेरा एनालिसिस है। तो उद्धव जी से विदुर जी पूछते हैं श्री कृष्ण के बारे में वर्णन करने को, जिसके जिसके चिंतन मात्र से उद्धव जी के मन में भाव फूटना शुरू होता है और वो रोना शुरू कर देते हैं। तो उद्धव जी विदुर जी को सुनाते हैं, क्योंकि उनके साथ उन्होंने काफी करीब का समय लगाया था, इसीलिए और उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो कहते हैं आठवें श्लोक में, ये मनुष्य लोक बड़ा अभागा है, इसमें भी यादव तो नितांत भाग्यहीन है। कृपा करके इसे जाति के रूप में मत लीजिएगा, उस वक्त जो श्री कृष्ण के वंश के लोग थे उनकी बात हो रही है। इसमें भी यादव तो नितांत भाग्यहीन है, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। आठवां श्लोक चल रहा है, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना, जिस तरह अमृतमय चंद्रमा के समुद्र में रहते समय मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकी थी, ठीक उसी तरीके से वह श्री कृष्ण के साथ हैं और श्री कृष्ण को उन्होंने नहीं पहचाना। वो लोग मन के भाव को ताड़ने वाले, बड़े समझदार और भगवान के साथ एक ही स्थान में रहकर क्रीड़ा करने वाले थे, तो भी उन सब ने समस्त विश्व के आश्रय सर्वंतर्यामी श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा, यानी उनको कोई स्पेशल पोजीशन नहीं दी अपनी जिंदगी में। और ये श्री कृष्ण स्वयं भी कहते हैं, मैंने आपको पूरा सुनाया भी था, कई बार दो तीन बार बता चुका हूं कि श्री कृष्ण स्वयं इस बात को कहते थे कि मैंने उन लोगों को इतना कुछ दिया, मैंने उन लोगों के लिए इतना कुछ किया, परिणाम क्या मिला? वो मेरे से और मांगते रहते हैं और मेरी आलोचना करते हैं। और यहां पर उद्धव जी वही बात कह रहे हैं कि उष्ण कृष्ण के साथ रहे, खेले, सब कुछ, लेकिन उनके स्वरूप को पहचान नहीं पाए, बस यही मानते रहे वो श्रेष्ठ यादव है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ये गलती हम लोग करते हैं अपने जीवन में, उसके बाद श्री कृष्ण के दया भाव, करुणा भाव का वर्णन उन्होंने किया है, उनके शरीर का वर्णन किया है उन्होंने, सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठा थी उनमें, उस रूप में ऐसा वो कहते हैं, उससे आभूषण भी विभूषित हो जाते थे, मतलब इतने सुंदर थे श्री कृष्ण, यद्यपि सांवले थे
और शरीर उनका इस प्रकार से था कि वह लोगों को मोहित कर देते थे। खांसी उठने लगी। वो कहते हैं आगे कि वो अजन्मा है, लेकिन वासुदेव जी के यहां उन्होंने जन्म लिया। और ऐसा ही वह सोचने लगे कि उन्होंने जन्म लिया और वैसा ही अभिनय करने लगे, जबकि वो अजन्मा है, लेकिन अभिनय करने लगे कि उनका जन्म हुआ है। वो कहते हैं श्री कृष्ण की बातें जब याद आती हैं तो आज भी मेरा चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। आप में से जिन लोगों को वह वैसा प्रेम हुआ होगा, वैसी प्रीत हुई होगी, वैसी भक्ति हुई होगी, केवल वही समझ सकते हैं उद्धव जी की बात। बाकी लोग महसूस कर सकते हैं, आज भी मैं व्यथित हो जाता हूं श्री कृष्ण को याद करके। श्री कृष्ण का उनका साथ रहा और वह ऐसा सुंदर व्यक्तित्व है कि जो उनके निकट आया उनमें रम गया, और आज भी जब मैं उन्हें याद करता हूँ तो बहुत व्यथित हो जाता हूँ, बहुत व्याकुल हो जाता हूँ। आपको नींद नहीं आएगी, झरझर आंसू बहना शुरू होगा, लेकिन इन सब का मतलब भी ये नहीं है कि आप काम नहीं करेंगे, अकर्मण्य रहेंगे, क्योंकि अकर्मण्य हैं तो आप भक्ति नहीं कर सकते। तो दोनों चीज साथ चल रही हैं तो ठीक है, केवल अति की व्यवहारिकता हो वह भी ठीक नहीं, लेकिन अति की भावुकता हो वह भी ठीक नहीं। उद्धव जी भावावेश में और भी कहते हैं, कहते हैं कि जिन्होंने श्री कृष्ण के हाथों मृत्यु पाई वह सब बहुत भगवान लोग थे, क्योंकि उन लोगों को उचित धाम मिला। फिर एक यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण उन्होंने कहा है, जिसको आप सब लोगों को सुनना समझना चाहिए, श्री कृष्ण के व्यक्तित्व की विशालता का इससे पता लगता है। और निश्चित रूप से श्री कृष्ण का जो व्यक्तित्व है अद्भुत है। वो कहते हैं कि जिस श्री कृष्ण के सामने इंद्र भी नाना प्रकार के उपहार लेकर दया भाव से खड़े होते थे, दया प्राप्ति के भाव से खड़े होते थे, अनेक राजा महाराजा जिनके सामने नतमस्तक रहते थे, वह श्री कृष्ण उग्रसेन जी के सामने खड़े होते हैं और निवेदन करते हैं, देव हमारी प्रार्थना सुनिए। कितनी विशालता है इस व्यक्तित्व में, जरा सोच के देखिए कितनी विशालता है, अद्भुत विशालता है। काश कि हम ये चीज सीखें इनसे। हम लोग जरा सा कुछ जान जाते हैं, बहुत थोड़ा सा भी, जिसका कोई दुनिया में
रिकग्निशन ही नहीं है, उतना भर भी जान जाते तो हमारे अंदर बहुत घमंड और अकड़ आ जाती है। वहां श्री कृष्ण जैसा व्यक्ति जो इतना विभूषित है, क्योंकि उग्रसेन उनके राजा हैं, उनका डिसिप्लिन देखिए। उग्रसेन राजा हैं इसलिए वो पूरे प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहे हैं, वो उनसे निवेदन कर रहे हैं, हे देव हमारी प्रार्थना सुने। ये विनम्रता होनी चाहिए। कभी अपनी वाणी का अवलोकन कीजिएगा, यद भी मैं जानता हूं अपने आप को ही सही ठहरा देंगे। हम लोग जब आईने में अपनी सूरत देखते हैं तो कहते हैं कि दांत टेढ़ा हमारा नहीं है, आईना टेढ़ा है। स्वयं का विश्लेषण करना बड़ा कठिन काम है, सच बता रहा हूं ये आपको, लेकिन यदि आप सरल सरल भाव से ऐसा करेंगे तो एक समय आएगा जब आप करने भी लगेंगे। कैसे, यह मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, श्री कृष्ण की वाणी नहीं बता रहा। कैसे, बहुत विशाल सोच रखिए और इमीडिएटली कोई निर्णय मत लीजिए। कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट रुक के बहुत ध्यान से सोच के और जो कुछ भी इवेंट हुआ है उसका बहुत आराम से विश्लेषण करके फिर जो कंक्लूजन आता है वो सही होगा, लगभग सही होगा। ठीक, उसके बाद उद्धव जी भावावेश में कहते हैं कि मैं तो असुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूं। क्यों समझते हैं, कितनी हास्य, इसमें हास्य भी है। असुर भगवान के भक्त क्यों हैं? क्योंकि वो भगवान से बैर रखते हैं और इसलिए हर वक्त भगवान के बारे में सोचते रहते हैं। यह हास्य भी है। आप जिससे बैर रखेंगे अपने से ज्यादा उसके बारे में सोचेंगे, इसीलिए उसकी रेखा बड़ी करते रहेंगे, अपनी नहीं बढ़ा पाएंगे। कितनी इस बात को अगर हाथ से के या सामान्य बात के रूप में देखें तो कितनी गहरी शिक्षा है। एक क्षण के लिए विराम लूंगा श्री कृष्ण की बात से। ऐसे ही मेरे मन में कुछ विचार आया, इस दुनिया में कुछ लोगों ने जो अकेले ही चल दिए, बहुत बड़े काम कर दिए, धीरे धीरे उनके साथ साथ बहुत सारे लोग जुड़ते रहे, उन्होंने ज्ञान हासिल किया और समय पर निर्णय लिया और अपने निर्णय को उस समय के अनुकूल होकर कहा, यह उसका प्रदर्शन। यह नहीं कि उस समय के अनुकूल गुस्सा दिखाना था तो वो हंस रहे थे, या उस समय के अनुकूलता हंसना तो वो गुस्सा दिखा रहे थे। बहुत सदे तरीके से, बहुत सदे हुए तरीके से उन्होंने और ऐसे लोगों ने इस दुनिया में बहुत बड़े काम कर दिए, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, रिसर्च के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, उन्होंने ऐसे काम कर दिए। और मान्यवर सारे लोग बहुत ऊंची बैकग्राउंड से नहीं आए हैं। इस दुनिया में जितने लोगों की मैंने स्टडी की है, 100 मान लीजिए, अगर मैंने 100 महान लोगों की स्टडी की है तो 100 में से 75 लोग अति सामान्य बैकग्राउंड से आए और 15 लोग सामान्य बैकग्राउंड से आए। कुल 10 ऐसे लोग जिनकी बैकग्राउंड पहले से ही मजबूत थी। इतनी बड़ी परसेंटेज उनकी है
जो बेहद सामान्य बैकग्राउंड से आए हैं. What matters, not resources, but the personality. जब मैं लोगों को कहता हूं ना नहीं बताऊंगा भविष्य, मैं एक्चुअली उन लोगों को मैं बेहतर बनाना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ बता दूंगा वो कुछ नहीं करेंगे, धीरे धीरे सब कुछ मुझ पर छोड़ते चले जाएंगे. मैं उन्हें पंगु बना दूंगा, इसलिए मैं उसे अवॉइड करता हूं. जब जरूरी होता है तो कहता हूं, या फिर इशारों में कह के निकल जाता हूं, जो समझ सका समझ जाए, नहीं समझ सका उसकी किस्मत. तो शार्प होकर नया कुछ सोचकर और कर देना है, तो आप तब जाकर जगत में नाम रोशन कर सकते हैं. इसलिए मैं कहता हूं नौकरी तो ये आराम बस गुड्डे गुड़ियों से अगले स्तर का खेल है, बस इससे ज्यादा नहीं. ये तो हो ही जाती है. अब बड़े स्तर पर कुछ काम कर सके तो बात है, अपेक्षा तो यही है, आगे देखते हैं. और उसके लिए आपको खुद को कंट्रोल करना होगा. एक बात मैं कहना चाहता हूं, सार्वजनिक रूप से तो मैंने कभी नहीं कही ये बात, मैं कहना चाहता हूं वो कुछ नई नहीं है, यहां हो सकता है दो चार लोगों को पता भी हो. व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति का प्रेम अनुभव उसे निखार देता है, या उस समय की जो परिस्थितियां होती हैं वो उसको निखार देती हैं. उदाहरण है जल. जल में बिजली होती है. अगर जल में बिजली नहीं होती तो आप जल में बिजली बना नहीं सकते थे. हम जल से बिजली निकालते हैं. इस जल में बिजली है, लेकिन ये करंट नहीं मारता, क्योंकि एक प्रक्रिया से नहीं गुजरा. कोई व्यक्ति इसे एक प्रक्रिया से गुजारेगा और वो इसका करंट भी खाएगा, वो खुद पीड़ित भी होगा और इसे भी साधेगा और इसलिए इसको भी पीड़ा देगा. लेकिन परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम निकलेगा इस जल में से बिजली, जिससे हजारों घर रोशन होंगे. स्वामी जी ने पहले तो गुरु महाराज ने ये एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया, कुछ लोगों ने उसको अंजाम दिया, बहुत थोड़े से लोगों ने. फिर उसको आगे बढ़ाते हैं, इसी प्रथा को आगे बढ़ाते हैं स्वामी जी. उन्होंने भी बहुत सारे लोगों पर उसका एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन थोड़े से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया. उसमें एक बड़ा विशिष्ट व्यक्तित्व था, कल उसका जन्मदिन भी था. उस व्यक्तित्व के अंदर वही जल था जिसका मैंने अभी उदाहरण दिया, अब मैं उपमा दे रहा हूं. उस व्यक्तित्व के अंदर वह जल था जो विद्युत विहीन था. इट वॉज वॉटर विच कंटेन्ड इलेक्ट्रिसिटी बट डिड नॉट प्रोड्यूस द करंट. उसको साधने की कोशिश में बहुत पीड़ा सही गई. इट वॉज नॉट इजी.
and that too in a very small period of 4 years. बहुत मेहनत थी, बहुत पीड़ा थी, और पानी की तरह ही वो व्यक्तित्व इधर उधर इधर उधर 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 डोलता था। कई विद्वान लोगों को मिला भी दो तो भी उन जैसा बुद्धिमान व्यक्तित्व नहीं होगा। She was so sharp, so sharp, great personality, enticing personality, such a great magnetism was there, very sharp, intelligent and laborious, able to work for 20 hours without any stay, without any rest. लेकिन जैसे पानी में बिजली होती नहीं है, लेकिन यूज में नहीं आती है, वैसे ही एक अल्हड़ नदी थी जिसको तपाया, और तपाने वाला तपता भी है, यह हमेशा याद रखिएगा। तपाने वाला जो भट्टी के पास काम करेगा, तपश उस तक पहुंचेगी। जो भी भट्टी के पास खड़ा होगा, माँ जब रोटी चूल्हे पर बनाती थी, या आप लोग भी जब गैस पर रोटी बनाते हो, तो कहीं तपिश आपको भी आती है। रोटी से कम आती होगी, लेकिन आती है। तभी वो रोटी सिक कर तैयार होती है जो शरीर को पुष्ट करती है, नहीं तो कच्चा आटा शरीर को पुष्ट नहीं करेगा। तो ये ताप सहना पड़ता है, विद्युत का करंट से भी सहना पड़ता है, और उसमें कई बार ऐसी गंभीर नाराजगियां भी होती। अगर हम किसी व्यक्ति से ये उम्मीद करें कि वो सूर्य की तरफ जाएगा, सूर्य को छुएगा, उदाहरण दे रहा हूं, सूर्य को छुएगा, और वो व्यक्ति समझ लीजिए, मान लीजिए चांद पर टक जाता है, तो एक उच्च कोटि का गुरु कह लीजिए, मास्टर कह लीजिए, वो उससे खुश नहीं होगा, नाराज होगा। सामान्य लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है, चांद तक तो पहुंच गया था ना, नहीं उसे सूर्य पे जाना था। And he was capable of doing it. But because of his own efforts, lack of his own efforts, because of his own discipline, he couldn't touch the sun. ये दुख की बात है। देखिए, सोच मेरी वाली रखी। अगर मैं मानता हूं कि आप यहां से वहां कूद सकते हैं, आप कूदे यहां तक, और सामान्य लोग कहेंगे कि अरे कूदा, देखो बस थोड़ा ही सा तो रह गया था, कूद तो गया ही था। मेरे जैसा व्यक्ति कहेगा, जो रेखा बताई थी उसके आगे जाना था तो स्पेशल एप्रिसिएशन मिलता, उस रेखा तक तो उसका अपना टैलेंट था ही था, उसके लिए स्पेशल एप्रिसिएशन क्यों? और ये तो उससे पीछे रह गया, इसलिए ये तो डिसग्रेसफुल है, दिस इज अ फेलियर। सो व्हाट इज सक्सेस फॉर लैक्स एंड करोड्स ऑफ पीपल वाज अ फेलियर फॉर दैट वन पर्सन, क्योंकि वो पर्सन भी तप रहा है। और ये वो नाराजगी होती है, इसमें घृणा नहीं होती है, there is no abhorrence at all, इसमें कोई घृणा नहीं होती है, इसमें वो पीड़ा होती है। हे पार्थ, तुम उस रेखा के परे जाकर धर्म की स्थापना कर सकते थे, लेकिन चूक गए तुम अपनी कमियों से, इसीलिए तुम्हें ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए इतिहास तुम्हें कहेगा क्लेवियम।
तुम कहाँ निकले? इट वॉज दैट एक्सपेक्टेशन. अब आते हैं विषय पर. जिसमें बहुत सारी बातों को उजागर ना करते हुए मंतव्य स्पष्ट करते हैं गुरु उद्धव जी कि ऐसा विशाल व्यक्तित्व जिसके बारे में सोच रहे हैं असुर भी, क्योंकि वो उसको शत्रु मानते हैं, वो नहीं सोच रहा उनके बारे में क्योंकि वो उन्हें शत्रु ही नहीं मानता. इसीलिए वो उस ऊर्जा, इसीलिए वो उस ऊर्जा को प्राप्त कर जाते हैं जो भगवत चिंतन से आती है. ये उदाहरण है, कहीं ऐसा ना हो कि अपने शत्रुओं को और ज्यादा सोचने शुरू कर दो. ये उदाहरण है. उसके बाद वो लिखते हैं कि उन्हें ब्रज में पहुंचा दिया नंद बाबा के यहां. यहां वो बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक इस प्रकार छिप कर रहे कि उनका प्रभाव ब्रज के बाहर किसी पर प्रकट नहीं हुआ. इसमें 11 वर्ष लिखा हुआ है. जो उनकी ब्रज में रहने की स्थिति थी वो 11 वर्ष तक की थी. उसके बाद एक बहुत विशेष बात यहां 32वें श्लोक में कही है. भगवान श्री कृष्ण ने बढ़े हुए धन का सदव्यय कराने की इच्छा से, यानी जो एक्सेसिव मनी है, जो ज्यादा पैसा है, बढ़े हुए धन का सदव्यय कराने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा रूप गो यज्ञ करवाया. अब इसे जो आजकल के स्मार्ट लोग वीडियोस बनाते हैं, वो कहेंगे गोयक करा दिया. बताइए, पैसा एक्सेस में था तो गोयक कराने की क्या जरूरत थी? हॉस्पिटल बनवाते, स्कूल बनवाते. क्योंकि उन लोगों की स्टडी नहीं है उस युग के बारे में जहां पर घर घर के पास हॉस्पिटल और स्कूल हुआ करते थे. हर शहर में स्कूल था, आश्रम जिसे कहते थे, जहां लोग जाते थे अध्ययन करते थे. उसे गुरुकुल भी बाद में कहा जाता था. जहां पर शिक्षा सबको मिलती थी. अनेक वैद्य थे और उन वैद्यों को इंस्ट्रक्शंस थे कि गरीब का इलाज करना है, लेकिन गरीब के इलाज के पैसे राजकोष से लेने. सच वॉज द वेलफेयर सिस्टम ऑफ दैट काइंड ऑफ सो कॉल्ड मोनार्कियल डेमोक्रेसी. नहीं पता होगा युग का, तो ऐसे ऊट पटांग कुछ भी, लेकिन वो वीडियो आकृष्ट करेगा. हाँ भाई, स्कूल होने चाहिए, तो क्योंकि बोलने वाला भी मूर्ख और सुनने वाले भी मूर्ख. वो भी दोनों ये जानने की कोशिश नहीं करते कि 3000 वर्ष पूर्व, 5000 वर्ष पूर्व, 7000 वर्ष पूर्व समाज की स्थिति क्या थी जिस स्थिति में ये करवाया गया होगा. दूसरी बात, उन्हें यह नहीं पता कि यज्ञ क्या होता. यज्ञ में बहुत सारा चढ़ावा चलता है, चढ़ता है, जो बांटा जाता है. दशमी के यज्ञ के उपरांत आप लोग भी तो
चढ़ावा ही खाते हैं ना, वो क्या है, वो यही तो है कि हमने यज्ञदेव को अर्पित किया, उसको तो जरा ही सा अर्पित करना है ना, और फिर बाकी समस्त कन्याओं को खिलाया जितनी भी कन्या वहां हैं, और उसके बाद खुद खाए। तो गौ यज्ञ का मतलब गाय के लिए चारा निकला होगा, गाय के लिए ग्रास निकला होगा, पूजा हुई होगी। और पूजा आज की पूजा में उस वक्त की पूजा में बड़ा अंतर है। आज की पूजा का अर्थ सिर्फ वही है, बस घंटी बजाओ, कुछ जगह घूमाओ, कहीं दान दे आओ, लेकिन उस वक्त की पूजा का मतलब कर्म से है। और भाव से गो पूजन हो रहा है, यानी गाय उस वक्त की जीवन रेखा है, वो लोगों को जीवन दान देती हैं, इसलिए वह पूजनीय है, इसलिए उनकी पूजा है। चौदहवें श्लोक में यही सब बातें चल रही हैं। आगे उसके बाद 33वें श्लोक का वर्णन करते हैं कि इससे इंद्र बहुत नाराज हुए और गुस्से में उन्होंने खूब पानी बरसाया। जब पानी बहुत बरस गया तो खेल खेल में भगवान ने छत्ते के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और अत्यंत घबराए हुए ब्रजवासियों की तथा उनके पशुओं की रक्षा की। फिर एक वर्णन करते हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद के चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती, तब श्री कृष्ण उनका सम्मान करते हुए, किसका, चंद्रमा का सम्मान करते हुए मधुर गान करते और गोपियों के मंडल की शोभा बढ़ाते हुए रास विहार करते। यही शब्द जो है ना, रास विहार, मैंने भी इसे अंडरलाइन किया हुआ है किसी कारणवश, तो रास विहार। अब हम यारा दिमाग जो है, हमारी जो खोपड़ी है वो दूसरी तरफ जाइए, अच्छा रास, क्योंकि हमको टीवी ने ये बताया, क्योंकि हमको फिल्मों ने ये बताया, क्योंकि हमने कहीं कहीं कभी किस जीवन में किसी समय किसी धर्माचार्य से ये सुन लिया, इस प्रकार का जब होता है तो मतलब होता है, या किसी पुस्तक में ऐसा पढ़ लिया जो ऑथेंटिक नहीं थी, कि रास विहार का ये मतलब है। रास विहार एक क्रीड़ा है, खेल है, तो गा रहे हैं, खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, खास पद्धति का, विशिष्ट पद्धति का नृत्य है वो। नृत्य की अनेक पद्धतियां हैं, ये गोल गोल घूमते हुए चक्र लगा रहे हैं, जो बाद में गरबा या डांडिया भी बनता है, क्योंकि ब्रज से श्री कृष्ण मथुरा जाते हैं और वहां से श्री कृष्ण गुजरात जाते हैं और उनका जीवन अधिकतर वहीं बीतता है, इसलिए। बहुत सारी चीजें वो वहां लेके गए। गुजरात में आज भी लोगों के मुंह से जय श्री कृष्ण ये निकलता है, बहुत बहुत मानते हैं उनको, वहां बहुत मान्यता प्रदान करते हैं, वो ब्रज क्षेत्र की तरह से प्रेम प्रदान करते हैं, बहुत प्रेम, स्नेह, भक्ति। तो यहां इसका अर्थ यह है कि वो विशेष प्रकार का भजन और नृत्य। ठंड का समय हो रहा है और थोड़ी थोड़ी देर बाद आपके बाल और यहाँ बैठे तो गीले हो जाएंगे, जिससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है, इसीलिए मैं आज की कक्षा को यहीं विराम विश्राम देता हूँ और अगली बार अध्याय 3
का पठन करेंगे, यज्ञशाला में अभी चलेंगे और प्रश्नोत्तर वहीं कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को ठंड ना लगे। आप में से कुछ बच्चे बीमार भी हैं, वैसे बीमार बीमार रहना नहीं चाहिए, प्लीज़ अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। थोड़ी थोड़ी देर में बीमार पड़ जाना ये अच्छी निशानी नहीं है। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं और बीमार पड़ के लेट के सो जाते हैं, काम नहीं करते, कुछ कुछ बार तो ऐसा होता है कि भाई बीमारी आपको मजबूर कर देती है, लेकिन आप जरा सा बीमार, जरा सा काम किया बीमार हो गए, फिर तुरंत सो गए और फिर सोते ही रहे, कई दिन तक सोए, बीमारी तो ठीक पहले ही हो चुकी थी, लेकिन नींद को थोड़ी पता होता है कि बीमारी ठीक हो गई है, वो अपना काम करती रहती है, तो हम उसे बताते हैं। तो ऐसे लोग जीवन में कुछ कर नहीं पाते, वो इतने वीक होते हैं। तो शरीर को, शरीर की कमजोरी झेलने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, क्योंकि आप शरीर नहीं है, ये तो आपने पढ़ लिया आपको कई बार। शरीर आपका आवरण है, यही तो हमने कक्षा में पढ़ा था ना, तो शरीर को आवरण रहने दीजिए, आप अपना काम करिए और खूब मेहनत से आगे बढ़िए, भगवान श्री कृष्ण के मार्ग पर चलिए। सब कुछ कर सकते थे, लेकिन हर चीज़ को एक निश्चित प्रक्रिया से किया, और जिस तरह श्री कृष्ण ने स्वयं के लिए कुछ नहीं किया, मैं श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप भी स्वयं के लिए कुछ ना कर पाए। यही सुनते बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आएगी, बोले आज क्या कह दिया, ये प्रार्थना की थी उन्होंने या श्राप दिया था। इसीलिए हम लोग भगवान को दूर दूर से ही मानना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैंने अपनी बात कह दी, अब तो निकल ही गई। ओ, आप सब सुखी रहें, सभी लोग सुखी रहें और अच्छे मार्ग पर अच्छी वृत्ति के साथ आगे बढ़ें, ऐसी मेरी कामना है। Um...